गाइस देख सकते हो ये वही महल है जहां पर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ जोधपुर। जी हाँ गाइस, जोधपुर आया हूँ और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ का सबसे फेमस और सबसे अच्छी जगह, जिसका नाम है उम्मेद भवन पैलेस। इतना पॉपुलर है, बस इतना समझ लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा की जो शादी हुई थी वो इसी पैलेस के अंदर हुई थी। साथ ही साथ नसीब जो मूवी की शूटिंग हुई थी, जो गोविंदा की हुई थी, वो भी इसी पैलेस के अंदर हुई थी। बहुत ही शानदार है। लेकिन गाइस, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ना, ये जगह बहुत ही शानदार है। आप ये देखिए, ये बहुत शानदार जगह है। जब आप उम्मेद भवन पैलेस में जाते हो, उससे पहले मैं आपको यहाँ का नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। वाह, देख लीजिए कितना खूबसूरत है ये। आप जो जगह देख रहे हैं ना, ये जो मकान देख रहे हैं, ये टोटली एक तरह से गोल्डन कलर में बने हुए हैं। आप जूम करके देख लीजिए, ये सब राजा के अंडर में आते हैं। तो गाइस, ये इसकी मेन एंट्री है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो गाइस, मैंने टिकट लिया है। टिकट जो है वो 30 रुपये का है और मैंने एक्चुअली यहाँ पर गाइड हायर किया था क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। तो बताना चाहता हूँ, ये जो उम्मेद भवन पैलेस है, इनको राजा उम्मेद जी ने बनाया था। और बताना चाहता हूँ कि ये जो बनाया था, एक तरह से लोगों को रोज़गार देने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय लोगों पर रोज़गार नहीं था। अगर आप देखोगे तो बहुत ही इसका शानदार व्यू है बाहर से। और इसके साथ साथ ये अच्छा एक रेपुटेड होटल भी है। बताना चाहता हूँ कि इसमें 2013 में नीता अंबानी, उनका 50वां जो बर्थडे था, वो यहीं बनाया गया था। प्रियंका चोपड़ा की तो शादी यहीं हुई थी, आपको पता है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो नसीब मूवी है वो भी यहाँ शूट हुई थी। तो अभी हम जाने वाले हैं इसके फर्स्ट लुक पे, जो देख लीजिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। तो गाइस, जो आप देख रहे हैं, ये इसका फर्स्ट लुक है। और इसी के जस्ट सामने आप ये देखेंगे, ये बहुत बड़ा जो है, एक तरह से आप इसे मैदान बोल सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, तो 1929 में ये शुरू हुआ था बनना और लगभग 15 साल ये चलता रहा और लास्ट 1944 तक ये कंप्लीट हुआ। और बताना चाहता हूँ कि उस समय 95 लाख रुपए की कीमत से ये तैयार हुआ था। ये आज अमाउंट वाली से थोड़ी लगती है, बट उस समय 3000 लोगों को इससे रोज़गार मिल रहा था। इसका लुक देखिए कितना शानदार है, गज़ब। तो गाइस, ये जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राजा जी का जो है इस समय का प्रेजेंट निवास है, यानी यहाँ पर राजा रहते हैं। एक्चुअली ये जो उम्मेद भवन है, ये 3 पोर्शन में बांटा गया है। पहला जो है ये किंग पैलेस है जहाँ पर राजा रहते हैं। सेकंड, बीच में जो सेंटर में है, ये है म्यूजियम जहाँ हम जाने वाले हैं। और थर्ड है लग्जरी होटल। वहाँ तो हमारा जाना मुश्किल है, क्योंकि बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए कम से कम। इनका सेकंड पैकेज भी होता है कि जो होता है 8,500, यानी 85 रुपये में आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर आप लंच या डिनर जो भी टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और वहाँ घूम सकते हैं। तो अभी एग्जैक्टली मैं आ चुका हूँ सेकंड पोर्शन यहाँ का जो है म्यूजियम। मैं इसका आपको सिनेमेटिक सीन दिखाता हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। गाइस, अभी मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हैं म्यूज़ियम जहाँ हम जाने वाले हैं। और उसका फर्स्ट पोर्शन मैंने दिखाया था जो कि राजा का पैलेस है, और यहाँ थर्ड पोर्शन ये है जो आप देख सकते हैं, ये होटल है। इस पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो झंडा देख रहे हैं ना आप, ये झंडे की पहचान क्या है?
अगर किसी को पता करना है कि राजा इस समय है या नहीं है, इसकी पहचान यह है कि अगर झंडा लगा हुआ है तो यानी राजा यहाँ पर हैं। इसकी एक बड़ी पहचान और है जो सबसे ऊपर आप जूम से देख सकते हो, यहाँ पर जो अगर नाइट में रेड लाइट लगी हुई है तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि यहाँ पर राजा हैं। तो इसके तीन पोर्शन है जो मैंने आपको दिखाई। तो गाइस जस्ट मेरे पीछे म्यूजियम है जहाँ पर म्यूजियम जा रहे हैं, और म्यूजियम में हम दो चीज़ देखने वाले हैं जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, एक है आम खास और एक है दीवाने खास, यानी उस समय का सुप्रीम कोर्ट और उस समय का पार्लियामेंट जहाँ पर जो है मीटिंग वगैरह और फैसले हुआ करते थे। तो ये रास्ता है, ये म्यूजियम का है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं दीवाने खास में, आप देख सकते हो कितना शानदार बना हुआ है ये, और मुझे तो यहाँ की जो फिनिशिंग है ना, सफाई बहुत शानदार लग रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से उस समय लोग बैठा करते थे और यहाँ पर अहम फैसले लिया जाते थे। और इसकी आप छत देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपको छत मिलेगी। और मैं चाहूँगा गाइड्स, उन्होंने कुछ समझाया है, उनकी बात को सुने, इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है ये। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं एग्जैक्टली इसे बोला जाता है यहाँ का दीवाने आम भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग दीवाने खास बोलते हैं, बट दीवाने खास ये है नहीं, ये दीवाने आम है। और ये जो देखेंगे यहाँ पर जो भीड़ लग रही है, इसके पीछे मॉडल्स है इस पूरे उम्माद भवन पैलेस का। अभी जो प्रेजेंट किंग है महाराजा गज सिंह जी साहब, जिनकी एज 74 ईयर है और आप 38 में राजा है, 3 जनरेशन से आ रहे हैं। प्रेजेंट किंग के फादर हनुमंत सिंह जी साहब, हनुमंत सिंह जी फादर महाराजा उमेद सिंह जी, जिन्होंने उमेद भवन पैलेस को बनाया। तो आधुनिक मारवाड़ के निर्माता भी कहा जाता है। इस पैलेस को बने हुए, ये पैलेस 1929 टू 1944 एंड टोटल जो अमाउंट लगा था उस समय 94,51,565 रुपीज़ है ना। ऑल पैलेस कंसील्ड वायर है, कहीं भी आपको वायर देखने को मिल जाएगा। 300 टन कंप्रेसर एयर कूलिंग प्लांट 1944, हर रूम में आपको एसी मिलेगा। तो ये एसी वेंट देख रहे हैं आप, ठीक है। एंड ऑल कैसे कंसील्ड वायर है, पूरा पैलेस है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम है। महाराजा उमेश सिंह जी को देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इस पैलेस को बनाया गया है और इन्हीं के नाम से इस पैलेस का नाम रखा गया है। महाराजा उमेश सिंह जी राजा होने के साथ साथ एयर मार्शल भी थे। तो जो पैलेस है वो 26 एकड़ में बना हुआ है, 26 एकड़ में बना हुआ है, 347 रूम टोटल, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट होटल पार्ट, द ताज उमेद भवन पैलेस, ऑल ओवर वर्ल्ड बेस्ट होटल 2016। तो होटल का जो मेन एंट्रेंस है वो दिस साइड है ना, ये आम खास है जिसमें अभी हम खड़े हैं। 7 रूम का ये म्यूजियम है जो हम विजिट करेंगे। एंड जो अभी प्रेजेंट राज फैमिली रहती है, रॉयल फैमिली, वो आपके इस साइड में रहती है ना। ये मेन सेंटर डोम है जिसकी हाइट 105 फीट है। इसी के अंडरग्राउंड में इंडोर स्विमिंग पूल है जो होटल में आज भी आपको रनिंग करने से मिलेगा। और ये सिनेमा हॉल जिसमें 80 पीपल एक साथ मूवी देख सकते हैं। जो भी शादी है मेरे जो पैलेस के बैक साइड में होती है। तो गाइस अभी इसी के बाद हम जाने वाले हैं दीवाने खास देने के लिए, यानी जो एक तरह का आप सब बोल सकते हो पार्लियामेंट है। तो गाइस ये आ चुका है दीवाने खास, जिसे बोला जाता है आज के टाइम का पार्लियामेंट। और इसका एक ग्राउंड देख लीजिए, कितना शानदार ग्राउंड है और बहुत ही शानदार। और जिस तरह से इसको 1929 में प्रेजेंट किया गया होगा, बनाया गया होगा, ये काबिले तारीफ था। गाइस देख लीजिए, ये इसका जो है आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट है। अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली जहाँ पर जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ करती थी, यानी जिसे बोला जाता है दीवाने खास पार्लियामेंट। तो जाहिर है उनकी गद्दी भी अच्छी होगी, वाओ बहुत ही शानदार। तो यहाँ से गाइस आप देखिए जो राजा जी हैं उनकी गद्दी देख लीजिए, ऊपर आप गोड देख लीजिए,
ये पूरा गोल्ड से वो है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ओरिएंटल रूम, यहाँ पर उनकी जो है मीटिंग हुआ करती थी, यानी जो उनके सेनापति या उनके जो अपने खास लोग होंगे मंत्री उस समय के, वहाँ बैठा करते थे। और बहुत ही शानदार गज़ब, आज भी कितनी सफाई है ना इसमें, और कितना मतलब सोचिए कि आज 2022 चल रहा है, इसमें भी इसको इतना बनाना आसान है नहीं। ये देखिए गाइस, इनक्रेडिबल, वाकई में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और मुझे लगता है कि एक बार आपको आना चाहिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा जी का जो क्लॉक कलेक्शन था, घड़ी कलेक्शन, जहाँ आपको 150 से ज़्यादा कलेक्शन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के। वाओ, ये आप इस वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके हम थोड़ा इसको फास्ट बना रहे हैं। घड़ी का कलेक्शन देख लीजिए उस समय, ये देखिए बहुत ही शानदार अद्भुत, ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ क्या देखी, यहाँ पर नहीं राजस्थान के बेल्ट में देखी, दे आर माइंडेड पीपल, ये बहुत दिमागदार लोग होते हैं। आप जितने भी किले देखेंगे ना, इनको इन्होंने क्या किया है कि 90% किले को इन्होंने होटल में तब्दील कर दिया है, ठीक है। अब होटल में आम इंसान तो जा नहीं सकता, लेकिन होटल से बिजनेस भी होता है, इसके लिए इन्होंने साथ साथ म्यूजियम भी बना रहा है, क्योंकि म्यूजियम हर इंसान जा सकता है, जब म्यूजियम में जाएगा उसके सहारे पर होटल में जाएगा। तो यानी किस तरीके से इन्होंने किले को बिजनेस के रूप में भी तब्दील किया, और साथ में म्यूजियम के रूप में भी, जहाँ आम इंसान भी जा सकता है और बिजनेस भी। ये वाकई में बहुत माइंडेड इंसान है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये जो महल देख रहे हैं टोटली पजल्स जा है, यानी इसमें आपको चूना नहीं मिलेगा, सीमेंट नहीं मिलेगा, यानी इसे आप खोल कर दूसरी जगह भी आप रख सकते हो, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम मिलेगा आपको। ये देखिए कितना शानदार, और ऊपर वो छतरी है जो मैंने आपको बताई थी, और इसी के जस्ट ये देखेंगे ये राजा जी का महल है पीछे, और ये जो म्यूजियम बना रखा है वाकई में बहुत ही खूबसूरत गाइस, बहुत ही शानदार, मान गया मैं। और सफाई बहुत ही, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 562 रियासत हैं, ठीक है, उसमें से पहली रियासत है जो अभी भी राजा जी के हाथ में है। आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा जो किला है वो मेहरानगढ़ किला है, वो प्रॉपर्टी अभी भी राजा के अंदर है, इतनी सफाई इतनी है कि आपको इतनी सी गंदगी नहीं मिलेगी वहाँ। ये गाइस होटल पोर्शन है जहाँ पर हम जा नहीं सकते, जैसे मैंने कहा था ये पूरा का पूरा होटल बना हुआ है, और यहाँ से भी आप थोड़ा सा व्यू देख सकते हो, ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है गाइस। अभी हम चल रहे हैं बाहर, और उसके बाद हम इस ब्लॉग का एंड करने वाले हैं। तो गाइस, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मज़ा आया। और एक बार आप यहाँ आएँ जोधपुर, तो उम्मेद भवन को इग्नोर करना इतना आसान है नहीं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सफाई इसकी जो है ना, और मैंने कहा ना कि दे आर माइंडेड पीपल, कि बिजनेस करने का जो तरीका है बहुत बढ़िया, इसको उन्होंने होटल में भी तब्दील कर लिया, म्यूजियम में भी तब्दील कर लिया, और राजा जी का पैलेस जस्ट पीछे है। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैंने रील डाली हुई है। अंकल आप, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं सौरभ जोशी भाई के फैन, हेलो कर दो। हेलो। तो क्या नाम है आपका, नाम बताइए। गणेश चौहान। आप? युवराज चौहान। ये आने वाले समय के ये बहुत बड़े ब्लॉगर होने वाले हैं। मेरा वीर चौहान। अच्छा, आप किसे फॉलो करते हो यूट्यूब पर? सौरभ जोशी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। कितना फॉलो करते हो? बहुत ज्यादा, कम से कम हर रोज 200 अराउंड होंगे, 200 अराउंड सब्सक्राइबर। तो आप देख सकते हो, ये गांधी जी के 3 मंदिर। तो गाइस, हम यहाँ आए थे तो ये हमें क्यूट से भाई मिले तीनों, और ये ब्लॉग की दुनिया पर हैं, और बहुत इंटरेस्ट है इनका, और भविष्य में चैनल बनाएंगे, इनके चेहरे को पहचान लेना। चैनल है आपका? मेरा ये एक चैनल है, मिस्टर डायनो प्लेस करके। अच्छा अच्छा। और मेरा एक फैक्ट एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा, और आपका? मेरा वो, आप सब्सक्राइबर इन दोनों के। चलो गाइस, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके,
चैनल का नाम बताओ। इनका चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनके चैनल मेरा चैनल मेरी ऑडियंस तो मुझे देख ही रही है ना। ठीक।